मर्म छात्र छात्री तुम लोग नम्बर लेसन तो गोरा ज्ञान गोरा ज्ञान अर्थ से कर्थ नाइकिया ज्ञान पढ़ा शुना गोरा अर्थ बुझा से खाली खाली ज्ञान माने कर्थ नोहवा ज्ञान कथा इतने लेसन तो कमिक्स दरे आज तुम लोग पढ़ले भल्क बुझी पबा मैं आरम्भ कर एक गांव में चार मित्र रहते थे एखन गांवत चारिजन बंधु आसिले उनमें से तीन ने बहुत सी विद्याएं पढ़ी थी तार चारिजनर भितर तीनियोजने बहुत पढ़ा शुना करिसिले बहुत विद्या अर्जन करिसिले वे अपना सारा समय अध्ययन और मनन में लगाते थे एक तीनियोटा बंधुए अकल पढ़ा शुना अध्ययन करिए समय कटाइसिले इन विद्याओं पर उन्हें बढ़ा अभिमान था और तेलुके जे पढ़ा शुना करिसे हेटुर ऊपर तेलुकर बहुत अहंकार आसिल परंतु उनमें सामान्य बुद्धि की कमी थी किन्तु तेलुकर माजत तेलुकर मूरत सामान्य बुद्धि तो नासिल माने तेलुक बुद्धियक नासिल मूर्ख आसिल पढ़ा शुना ठीक करिसिल किन्तु तेलुक मूर्ख आसिल चौथा मित्र बहुत अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था परंतु बुद्धिमान था चार नम्बर जी बंधु आसिले तेओं बेसि पढ़ा शुना नकरिलेओ तेओं बुद्धिमान आसिल वो हर कार्य सोच विचार कर किया करता था एओं जिकुनो काम करिबेले लौते चिंता भावना करी काम तो करिसिल एक दिन एदिनाखन की होल हम लोग शहर क्यों ना चले अपने ज्ञान की परीक्षा भी कर लेंगे तथा मन भी धन भी कमाएंगे एटा बंधुए कले एदिनाखन एजन बंधुए कले आमी सहरलै जाब तो पारो ताले गई आमी आमार निजर ज्ञानर परीक्षाओ करि लम आरो धनो टका अर्जनो करिम तेतिया द्वितीय बंधुए कले बात तो पते की है कथा तो ठीके कैसा हम सब उस मंद बुद्धि को साथ नहीं ले जाएंगे व्यर्थ का बोझ होगा एटा बंधुए कले जे आमी हेई बुर्बक मंद बुद्धि माने बुर्बक हेई मूर्खटुक लगत लई ना जाओ बेकार हि आमार बापे बुझा हे हबो व्यर्थ का बोझ होगा माने बेकार आमार बुझा हे हबो आरोजने कले सही कहते हो वो तो एकदम मूर्ख है ठीक कैसा हेटू एक बारे मूर्ख माने पढ़ा शुना नक जी चार नम्बर जी बंधु आसिले चार नम्बर बंधुटक निनि कैसे इतने स्वार्थी मत बनो तेने और एटा कले तुम लोग स्वार्थपर नहबासन वो हमारे साथ ही बड़ा हुआ है अब उसे छोड़ कैसे दे नहीं सब मिल बांट कर रहेंगे एजने कले इमान स्वार्थपर कले तुम लोग इरपा आमार लगते आसे इतना केनेक एरी दिम आम मिलीजुली थकिम खैर उसे भी चलने दो और एटा कले ठीक है बार तक लोला तो चार बंधुए सहर फाले जाबा आरम्भ करिले चारों ने मिलकर यात्रा शुरू की वे जंगल में से गुजर रहे थे कि जंगलर मजेदी तहती गई हठात देखिले एटा कंकाल पड़ी आसे एया गोटेकटा जुमी जुमी चाइसे हे भगवान ये तो शेर का अस्थि पंजर लगता है तो चार नम्बर बंधुजने मनते भाविसे हे भगवान एटुतु एटा हिंघर कंकालर निसिना लागिसे एटु आओ हम इस शेर की अस्थि पंजर पर अपनी विद्या का प्रयोग कर इसे पुनर्जीवित कर दे मैं इन हड्डियों को जोड़कर पूरा कंकाल बना सकता हूँ तेनेते एटाए माट माटिले तहती तहतर विद्या लो निजर पावर लो खुबे माने तहती गौरव गौरव करे तो एटाए माट माटिले आहा आमी एई हिंघटुर कंकालबुर जोड़ा लगा इक आम आको पुनर जिया तुलू मैं यार हड्डीबूर यार माने हारबूर जोड़ा कंकाल जोड़ा लगे दी पारि मोर इमान मारे माने पावर तो इटू बंधुए कले मैं कंकाल पर मांसपेशिया व खाल चरा सकता हूँ इटू बंधुए कले जे मैं मांग कंकाल ऊपर मांग और साल हेबूर लगे दी पारि माने मंत्र माति यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं इस मृत शरीर में प्राण का संचार कर सकता हूँ तीन नम्बर टे कले जदि तुम लोग पारा तेतिया हले मैं ए मरा हिंघटुक आको जिया तुल पार मंत्र माति जिया तुल पारिम
वाकई बड़ी बुद्धिमानी की बात है। तो प्रथम कले बहुत बुद्धिमान काम दे सचमुच बड़े विद्वान हो तुम बाह तुम बड़ विद्वान पंडित दे कैसे चुना ते ये भावी से मने मने देखो मेरा अनुमान कितना सही था, यह शेर का ही कंकाल है। ये मने मने कैसे मैं ठीके धरीसिल सिंहरे कंकाल एक ने अस्थियों को सही क्रम में लगाकर अस्थि पंजर तैयार कर दिया। अब मेरा कमाल देखो एटे मंत्र माटी की कोरिले गुटे कंकाल बुर ठीक ठीक जगह लगाई दिले। दूसरे ने अस्थियों के ऊपर मांसपेशियां जमा कर दी तथा उनके ऊपर चमड़ा लगाकर शेर का रूप दे दिया। सेकेंड बंधुजने की कोरिले मंत्र माटी मांस साल एबू लगाई दिले आरो यार साल तो लगाई दियार फलत एनेकुआ धरणर सिंहटो होई पड़िल। देखो अब तुम सोचते होंगे काश मैंने भी यह सब सीखा होता, अब देखो मैं इसे जिंदा कैसे करूंगा। एटे कैसे देखिली देखिली एतिया भाविसा तय जदि अकमान पढ़ा शुना करिली हेतेन एतिया साबी मैं एटु केनेके जिंदा करी दियूं। ई एहेतक ई एटु कय आसे तेते ई कयसे ठेहरो ऐसा मत करो रोबा रोबा एनेका नकरिबा, तुम लोग अपनी विद्या का प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो, कुछ विचार तो करो कि इसका परिणाम क्या होगा। वो शेर जीवित होते ही हम सबको मारकर खा जाएगा। ई कैसे रोबा रोबा तुम लोग सिंह जी तुल खुजीसा यार फलाफल की हम जाना ने सिंहटे जे जी उठिए आम गोटेकटा खा पेल तुम लोग भूल कम नक सिंहटक जी नुतुलिबा इ मानने माना करिसे बाकी तीनटा। तीसरा युवक उस मृत शरीर में प्राण का संचार करने के लिए तत्पर हुआ। तीन नम्बर जने तीन नम्बर बंधुजने मरा सिंहटक जी तुल मंत्र माति लैसे तभी चौथे मित्र ने कहा तेतियाई चार नम्बर मित्रजने एनेके माना करिसे जे रबि रबि तहती एटु काम एटु भूल नकरिबी। तेतिया एटाई कले चुप कृतज्ञ मूर्ख मैंने ही सबसे सिफारिश की थी तुझे लाने की, अब तू ही मुझे अपनी विद्वत्ता प्रमाणित करने का मौका नहीं देना चाहता। तेतिया जीटे जी तुलिम बुली कैसे ही कले मने मने थक तय मूर 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 कृतज्ञ है तय माने तय मूर उपकार पहरी गलि मैं कैसी तुक आनबले बी बंधुए तो तुक नानू बे कैसे मैं मूर विद्या प्रमाण करमे तय एको नार एने के खंगेरे युक कले यह मूर्ख इन बातों को क्या समझे ये कैसे ये मूर्खटेनो ये विद्यार कथा किनो जाने। यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ, तो जदि तुम्हार विद्या तुम्हें जदि प्रमाण करिबो खुजिसा तो ठीक आसे तुम लोग करा, पर एक क्षण ठहर जाओ एक 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 मुहूर्त रही जा। मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊँ तब इस शेर को जीवित करना, मैं गसर ऊपर उठी लो तार पिसत तुम लोग सिंहटक जी तुलिबा एनेके कोई चार नम्बर जी जन मित्र जीजने बाधा दिसिले तेओं गसर ऊपर उठी गल। इतना कि हल चुआ तीसरे युवक ने अपनी विद्या का प्रयोग कर शेर को जीवित कर दिया। तीन नम्बर जी जन बंधु आसिले तीन नम्बर बंधुजने निजे मंत्र माति सिंहटर गात प्राण दी दिले। शेर ने अपने सामने तीन युवकों को खड़े देखा, एटु जी उठिए तीन लड़ा ठिय थका ही देखिले तीन जन युवक। उसने हवा में अपनी पूछ लहराई बताहत निजर नेगुड़ाल हिलाले, उसकी डहार से सारा जंगल गुज उठा और सिंह गुजरणी एट मारे और गोटे जंगल तार गुजरणी शुना पा गल। शेर ने झपट कर तीनों को मार डाला, इ झप मारी तीनोटाके मारी पेलाले, पेट भरकर वो अपने रास्ते चला गया और तीनोटाके खाए पेट भराए खाले तीनोटाके खाए सिंह तार रास्तार फाले गलगे। एटु चुआ देखिसा गसर ऊपर पड़ा ये बंधुजने मने मने आसे आई कैसे हाय मेरे विद्वान मित्र हाय हाय मोर विद्याधारी बंधु, काश तुम मेरी व्यवहारिक सलाह पर ध्यान दिया होता, तुम लोग मोर प्रैक्टिकल नॉलेजक जो ध्यान दिला हेतेन मोर कथा शुनिला हेतेन तेतिया होले आजी तुम लोग जियाई थेकिला हेतेन।